Hello friends, welcome to my channel. Solve Maths and Read English Easily. In this video, we are going to solve Kadwa Explore Mathematics of Class 8. This is a Kadwa publication. And in this video, we are going to solve chapter number 7, that is factorization. And in factorization, we will solve exercise number 7.8. ये part 3 है. Part 4 से सेकंड मैंने already upload कर दिया, जिसमें मैंने exercise 7.8 का question number 1 solve किया है कुछ question, और part 2 में question number 1 के कुछ question और part 2 के first question को मैंने solve किया. अब देखिए इस exercise में मैं part 2 का question number 3 solve करूँगी और question 3, question number 4 में solve करूँगी. चलिए बिना video waste के start करते हैं. तो आपका ये question है और ये मैंने actually मैं solve कर रही थी एक वीडियो में, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे रोकना पड़ा था. तो मैं फिर से समझा देती हूँ इसको. देखिए 2a में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6a क्यूब मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 6a क्यूब को 2a से डिवाइड किए हैं तो हमें 3a स्क्वायर मिला है. ठीक है, अब देखिए अगर हम 3a स्क्वायर से 2a मल्टीप्लाई करते हैं 6a क्यूब हमें मिल रहा है. ये उसी तरह है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब बता रहा है. अगर ये पूछा जाए कि 6 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 12 मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 12 को 6 से डिवाइड करते हैं. उसी तरह 2a में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6a क्यूब मिल रहा है, तो हम 6a क्यूब को 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 3a स्क्वायर से करना है मल्टीप्लाई. तो हम किए तो हमें 6a क्यूब मिल गया. अब इसी 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे माइनस 3 में, तो माइनस 9a स्क्वायर. और आपको पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं. आप माइनस था तो मैंने प्लस लगाया, यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस लगाया, ये कैंसिल हो गया. तो अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 9 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 होगा, तो 9 से माइनस 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर. 10a मैंने यहाँ पे लिख लिया. अब 2a में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4a आ जाए. तो सेम वही चीज़ है कि 8a स्क्वायर को अगर आप ऐसे लिखेंगे और उसको 2a से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4a आ गया. अब इसी 4a का मल्टीप्लाई आप माइनस 3 में कर दीजिए, 4 3 12a. यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये देखिए ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे देखिए प्लस 2a 12 से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा, a यहाँ पे लिख लेंगे. माइनस 3 आप नोट कर लीजिए, माइनस 2 में 2a कब आएगा, प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 2a और माइनस 3 का मल्टीप्लाई हम प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल. हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. तो कुछ नहीं, अगर आपको डिवाइड करना आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरह से पूछ रहा है कि इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स 5 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वॉट इज़ द अदर फैक्टर. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये हम डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो ये फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है. अदर फैक्टर क्या होगा, अदर फैक्टर जो कोशेंट होता है वही अदर फैक्टर होता है. तो देखिए बहुत ही ईजी है, बिना टाइम वेस्ट के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और एक्स 5 1 में एक्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4 मिल जाएगा. यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये कैंसल, मैंने एक्स 3 यहाँ पे लिख लिया. एक्स में किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 3 मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 3 मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे नोट करना पड़ेगा क्योंकि 1 है यहाँ पे. 1 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, या माइनस या माइनस, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब हम क्या उतार लेंगे, यहाँ पे एक्स उतार लेंगे. एक्स में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 उतार लेंगे, एक्स मिल जाए 1 से करेंगे तो हमारा एक्स प्लस 1. देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. और अदर फैक्टर क्या आ गया, यस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म एंड अदर फैक्टर इज एक्स 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1. आई होप आपको ये इजिली समझ में, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा एक डिवीजन करके आपको पता, बट इसका आंसर नहीं है. ओ मैंने क्वेश्चन से गलत लिख दिया, ये एक्स क्यूब है. देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है और मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब कर लेते हैं हम. फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ. एक्स 5 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी को सॉल्व करना है. कोई बात नहीं है, अगर क्वेश्चन हम गलत लिखती हैं तो एक्स क्यूब में कैसे मल्टीप्लाई करें कि एक्स 1 आ जाए, तो हम जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा एक्स 5 आ गया,
प्लस यहाँ पे वन में जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये पावर अलग अलग है तो ये कट नहीं सकते हैं, ना ही डी कुछ हो सकता है। एक्स थ्री में किससे मल्टीप्लाई करें कि हम एक्स फोर आ जाए तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स फोर आ जाएगा, और वन में जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस वन, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिख लिया। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, एक्स क्यूब है तो ये जा नहीं रहा है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे देखिए एक्स थ्री बचा हुआ है यहाँ पे एक्स थ्री, तो हमने यहाँ पे एक्स थ्री लिख लिया। अब पहले लिख लीजिए एक्स थ्री, तो एक्स थ्री से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्स थ्री कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस वन का मल्टीप्लस वन में होगा तो वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर, वन हमारा माइनस में हो गया था, माइनस वन और माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा क्या है एक्स थ्री, हमने नोट किया था तो हमारा एक्स स्क्वायर बचा है, अभी एक्स बचा है और प्लस वन बचा है, ठीक है, यही बचा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कट कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एक्स से एक्स एन, रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, और हमारा फैक्टर कितना हो गया, अदर फैक्टर क्या, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ भी नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से एक्स लिख दिया था इसलिए ये कुछ अलग हो गया था, बस सेम डिवाइड आपको यहाँ कर लेना है। एक्स थ्री से हमें किससे मल्टीप्लाई करा कि हमारा एक्स फाइव आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि ये यहाँ से माइनस होने से सकता है तो हमने एज इट इज उतार दिया। फिर एक्स थ्री का किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स फोर आ जाए तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आ गया, एक्स फोर आ गया, ठीक है। फिर हमने जब वन का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो एक्स आ गया, इसको ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया है, क्योंकि अब ये पावर ज़्यादा है ये कम है तो जा नहीं सकता, तो हमने एक्स थ्री यहाँ से राइट किया है। तो एक्स थ्री में किसे मल्टीप्लाई करें, एक्स थ्री आ जाए तो प्लस वन से किया है तो हमने लिखा है तो यहाँ पे एक्स थ्री आ गया, वन को मल्टीप्लाई वन में किया है तो वन यहाँ लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन में हो गया, सारा चीज़ मैंने यहाँ उठा के लिख दी है, उसके लिए तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर ये सारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया और अदर फैक्टर हमारा जो कोसेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर पूछा है, सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि 3x प्लस 4 क्या फैक्टर है इसका या फिर नहीं, तो सेम वही काम करेंगे जो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करके चलिए आराम से देख लेते हैं, बस कुछ करना नहीं है। 3x में कैसे मल्टीप्लाई करते, 15x स्क्वायर आ जाए, पहले 3 और 15 को देखिए, 3 5 जा 15 5 लिख दिए, x में कितना पावर कम है, 1 कम है ना, तो x स्क्वायर है ये x है, सिंपल लगा 15x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे 20 x है मत x माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये सब क्वेश्चन में था अभी, 1 और 4 से 2 गया तो 2, फिर 21 हमने राइट कर लिया। 3 में कैसे मल्टीप्लाई करें, 21 आएगा, 3 7 जा और x तो है ही तो लिखने की कोई वेरिएबल ज़रूरत है नहीं, और 4 7 जा 28, तो यस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ, 3x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 41 प्लस 28। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरा क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने बताया कि मैं व्हाट्सएप पे भी पढ़ाती हूँ 300 रुपये पर मंथ में, जिसमें आपको 2 आवर्स के लिए आपके आपके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उसको कॉल के थ्रू भी हो सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकते हैं, और अगर आपको नीड है तो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के सॉल्व करके भी आपको दे दूँगी, ठीक है, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर एज यूजुअल, बाय बाय।